कोरोना महामारी के बीच शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाले शारदीय नवरात्रों के दौरान एसओपी के तहत पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए मंदिर प्रशासन बेहतर कोशिश करेगा। इसके अलावा मंदिर में अतिरिक्त 20 अस्थायी कर्मचारी रखे जाएंगे, जो कि मंदिर व सफाई आदि का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा 10 अतिरिक्त कर्मी नगर परिषद को सफाई व्यवस्था शहर में सुचारू बनाने के लिए दिए जाएंगे। नवरात्रों के दौरान हजारों की संख्या में शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसी के मद्देनजर पुख्ता इंतजामों पर जोर दिया जा रहा है। मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर व मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए 50 अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा में कोताही न बरती जाए। प्रशासन से अतिरिक्त होमगार्ड की मांग की गई है। इसके अलावा नवरात्रों के दौरान एक चिकित्सक की ड्यूटी तैनात रहेगी, जो कि आने वाले श्रद्धालुओं का तापमान व चिकित्सीय कार्य करेगा, और अगर किसी श्रद्धालु में लक्षण पाए जाते हैं तो उसे मंदिर प्रशासन द्वारा आइसोलेट किया जाएगा। मंदिर अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ज्योतियों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर में बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन का प्रयोग किया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि श्रद्धालुओं को एक से ज्यादा जगह से ज्योतियों के दर्शन करवाए जाएं। इस पर विचार किया जा रहा है। नवरात्रों में भी 10 वर्ष से छोटे और 65 वर्ष से ऊपर लोगों को एसओपी के तहत मंदिर में आने की मनाही रहेगी। नवरात्रे आने से पहले मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग रही है, तो इसको देखते हुए जो भी आवश्यक हैं सरकार के एसओपी को देखते हुए वो उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। सर इस हाँ बिल्कुल जी, अतिरिक्त कर्मचारी रखे जाएंगे, जिसमें मंदिर सफाई आदि के लिए 20 अतिरिक्त व्यक्ति रखेगा। इसके अलावा नगर परिषद को 10 व्यक्ति सफाई के लिए दिए जाएंगे और 50 अतिरिक्त होमगार्ड्स की मांग की गई है। नवरात्रों के दौरान जब तक मंदिर खुला रहता है तब तक यहाँ चिकित्सक की नियुक्ति होगी और वो लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगा। इसके अलावा अगर किसी में सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसके आइसोलेशन की व्यवस्था भी मंदिर में की गई है। देखिए, सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक 10 साल से कम बच्चे और 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों को तो मनाही है, तो ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं। नवरात्रा मेलों में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, तो उसे देखते हुए डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना हमारे लिए एक चुनौती होगा। फिर भी हम इसमें कुछ कदम उठाने जा रहे हैं, जैसे उसमें मंदिर में एक डिस्प्ले स्क्रीन लगा दी जाए जिससे कि श्रद्धालुओं को ज्योति के दर्शन हो पाएं। इसके अलावा हम यह भी विचार कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को ज्योति के दर्शन एक से ज़्यादा जगहों से करवाए जा सकें।